अगर हेमा मालिनी से कांग्रेस चाहती है कि जमीन वापस ले लिया जाए, तो जनता चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा से भी सारा जमीन कांग्रेस ने वापस लेके गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो आपने फ्री में ही बांटा है ना। अब वैसे भी हेमा मालिनी कह रही है कि डांस स्कूल खोल रही है, तो कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ सीखेंगे। वहाँ रॉबर्ट वाड्रा ने क्या करके रखा है, लोगों को तो परेशान करने का फैक्ट्री खोल के रखा है। कांग्रेस हमेशा गलती करती आई है, 50 साल से हमको लूटते हुए आई है, और कितना लूटना चाहती है। हाँ, 50 साल में तुमने इतने सारे स्कैम किए हैं, इतना सारा परेशानी किया है। आज के दिन पे हमारा प्राइम मिनिस्टर बार बार दूसरे देश में जाके बिजनेस लेके आ रहा है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, FDI मिल रहा है, तो वो सिर्फ मोदी की वजह से हो रहा है, वो BJP गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। कांग्रेस ने क्या किया 50 साल तक? हम तो खुद ही बोल रहे थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मुंह नहीं खोलता, हमारा प्राइम मिनिस्टर मुंह नहीं खोलता। अब जब हमको प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है जो सब तरफ जा रहा है, अपना देश का नाम कर रहा है, तो भी कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई उनको? तो BJP भी उतना ही महंगाई किया, ये भी उतना ही महंगाई है, कांग्रेस भी कर रहा है, इसमें कुछ फर्क नहीं, पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, हेमा मालिनी का है, वो एक डांस का यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, तो अपना इंडिया का कल्चर है, कल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए उसका योगदान कर रहे हैं, तो उसका हमको सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस बहुत बोलते हैं, उसने अपना लोग को दिया, तब वो किधर गया था? कितना आदमी को उन लोग ने दिया है, ऐसा फुकट में दिया है, उसको कोई पता नहीं है। नहीं, उसको करना, डेवलप करना चाहिए, कांग्रेस करते रहेंगे, उसका दूसरा कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ बनाने का है बना रहे हैं वो। देखो, जो भी पॉलिटिक्स रहेगा, उनको इतने सस्ते में ज़मीन, तो गरीब लोग किधर जाएंगे? बराबर है ना? और वही ज़मीन जब गरीब लोगों को देगी तो अच्छी बात है ना। हेमा मालिनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा है, पहले भी ज़मीन उनको दी गई है, और ये दूसरी ज़मीन है, पहले 10 लाख में दी गई है, अभी 70,000 में। हमारी राय ये है कि BJP जो दे रही है वो ठीक दे रही है, बच्चों के स्कूल खोलने के लिए दी जा रही है, तो उसमें कोई गलत नहीं। हाँ, उसका तो विरोध करना शुरू से कर रही है वो। क्या कहना चाहेंगे आप अपने द्वारा? मैं यही कहना चाहूँगा कि BJP जो कर रही है वो ठीक कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, और कुछ नहीं उसमें।